फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपके सामने है। इस फिगर में हम लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है और इस फिगर में मैं आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करूंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं और इस फिगर को मैं पार्ट वाइज ड्रॉ करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस फिगर के टॉप पे जो ट्रायंगल है उसको बनाते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बनाया गया है और इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कितना ट्रायंगल अगर ये पता करना हो तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इन सभी को ऐड कर देते हैं, यानी 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, यानी टोटल इसके अंदर 10 ट्रायंगल्स है। आप लोग काउंट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस फिगर में हम लोग इस वाले ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस तरफ ये ड्रॉ किया, ओके। अब देखेंगे आप कि इस लाइन को ड्रॉ किया गया है तो हम लोग इस लाइन को यहीं तक ड्रॉ करेंगे, अभी बाद में इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं इसको काउंट करते हैं। जैसे ऊपर किया हमने उसी तरह 1, 2, 3, ये बड़ा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को तीन पार्ट में बांटा गया है, तो 1, 2, 3, 3, 6, 6 हो रहा है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल एक बार और काउंट हो जा रहा है तो इसलिए हम लोग एक घटा देंगे, यानी टोटल इसमें 5 ट्रायंगल्स हो गए ये वाले को हटा के, क्योंकि हम लोग इसको काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो 5 ट्रायंगल्स यहाँ हुए, उसी तरह इस तरफ भी 5 ट्रायंगल्स होंगे, तो 5, 5, 10 हो गए, ठीक है। तो 10 और हम यहाँ ऐड कर देते हैं। अब आप देखिए कि इस वाले लाइन को मिलाया गया है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं। जैसे ही हम लोग इस लाइन को मिलाएंगे ये एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को बढ़ाया गया आगे तक, ठीक है, तो यहाँ बढ़ाएंगे तो ये छोटा छोटा दो ट्रायंगल बन जाएगा, 1, 2, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 3, ठीक है, तो 3 ट्रायंगल और बढ़ गए। अब क्या किया गया है, अब इस वाले दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, जैसे यहाँ मिलाया गया, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको मिलाते हैं तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से फॉर्म हो जाता है और इस लाइन को जब यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो फिर छोटे छोटे दो ट्रायंगल में इसको बांट दिया जाएगा, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये बड़ा वाला 3 हो गया, ठीक है, तो 3। अब क्या है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप देखिए एक ये ट्रायंगल बढ़ा, एक ये ट्रायंगल बढ़ा, ठीक है, 2 हुआ, उसके बाद एक ये ट्रायंगल बढ़ा और एक ये ट्रायंगल बना, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ हमने जैसे ड्रॉ किया तो ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, उसी तरह ये डिवाइड हुआ तो 4 ट्रायंगल बन गया, ठीक है, और ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल बना, 5 ट्रायंगल हो गया, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, तो 5 और ऐड कर दीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आप, ये जैसे हमने ड्रॉ किया तो एक और ये ट्रायंगल बना, है ना, उसी तरह यहाँ भी एक और ट्रायंगल बना तो 2 और ट्रायंगल बन गया, 2 और ऐड कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, इस पॉइंट से ट्रायंगल काउंट करेंगे। ये छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग ये दोनों काउंट कर चुके हैं, ये भी ट्रायंगल को काउंट कर चुके हैं। ये ट्रायंगल आप देखिए 1 होगा, उसी तरह इधर भी है 2, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल मिलके 3 होता है, ठीक है,
तो प्लस थ्री। ओके, अब फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। उसी तरह इधर भी एक और ट्रायंगल बन रहा है, दो हुआ, और ये ट्रायंगल बन रहा है उसी तरह, है ना। इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो दो दो चार हो गया, ठीक है। अब कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इन सभी को हम लोग अगर काउंट कर लेंगे तो इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाएगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ऐड कीजिए, 10, 10, 20, 23, 26, 31, 33, 36, 40। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स 40। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।